वार्ता 177 स्वामीनारायण हरे। वैशाख वद आठम ने रोज बापाश्री तथा स्वामी ईश्वरचरणदास जी तथा कथा वाचनार पुराणी धर्मकिशोरदास जी तथा पुराणी केशवप्रीदास जी ए बे तथा स्वामी भगवत स्वरूपदास जी तथा पुराणी हरिप्रसाद दास जी तथा स्वामी कृष्ण सेवादास जी तथा स्वामी श्वेत वैकुंठदास जी तथा साधु मुक्तवल्लभदास जी आदि सर्वे कुंभारीए गया। त्यां कथानी गोमटी बहार वाड़ामां जोईने बापाश्रीए भुजना संत तथा गुंभारियाना हरिजनोने कह्युं जे इंद्र अतिशय गहलो थयो छे, माटे मांडवामां गोमटी करी छे ते मंदिरमां लावो, एम बे त्रण वार बोल्या। पण संत हरिजनोए मंदिरमां सांकड पड़े एम जाणीने त्यां ज कथा करवानुं राख्युं। पछी बापाश्रीए आसने पधारीने स्वामी ईश्वरचंद्रदासजीने कह्युं जे कही कहीने थाकी गया, पण साधुए के हरिभक्तोए मान्युं नहीं। साधु जाल्युं मुकता नथी, अमे नहीं होईए त्यारे कोईनुं नहीं माने, ने एमना पोत उघाड़ा थशे, ने केटलायने दुखिया करशे, ने पोते दुखी थशे। पछी स्वामी ईश्वरचंद्रदासजीए कह्युं जे बापा इंद्रने ना पाड़ो जे आवे नहीं। त्यारे बापाश्री बोल्या जे आ साधु ने सत्संगी मानता नथी अने इंद्र केम माने। त्यारे स्वामीए कह्युं जे बापा आ संत हरिजनो तो आपना छोकरा छे, ते छोकरा तो कदापि न माने, पण इंद्र तो बिचारो चाकर छे, ते चाकरने तो जेम आज्ञा करो तेम करवू पड़े। पछी बापाश्री बोल्या जे त्यारे हवे तो इंद्रने ज कहीशुं, नहीं तो अमारी लाज जाय जे आवा मोटा कहेवाय छे ने वरसादे विघ्न कर्युं ते टाळी शक्या नहीं। पछी कथा बैठी ते ज दिवसे वरसाद आव्यो अने गोमटी ऊपर टाटपट्टीओ बांधी तो पण घणो आववा मांड्यो। पछी स्वामी ईश्वरचंद्रदासजीए बापाश्रीने प्रार्थना करी जे बापा इंद्रने हवे कंई कहो। पछी बापाश्रीए इंद्रने कह्युं जे आ गामनी अंदर न वर्षीश, अने आ गामना फरतो बीजे बधे वर्षजे। पछी वरसाद गाम फरतो थाय ने बीजे बधे थाय, ने नदीए पूर आव्युं पण गाममां न आव्यो। पछी बारसने दिवसे सांजनी कथामां वरसाद बहु चढ़ी आव्यो, त्यारे जयरामभाईए कह्युं जे बापाश्रीनुं आसन नेवा तळे छे, ते टाटपट्टी तळे लावो। पछी स्वामी ईश्वरचंद्रदासजीए कह्युं जे बापाश्रीनुं आसन नेवा तळेथी टाटपट्टी तळे लावशो तो वरसाद वरસે, માટે ત્યાંને ત્યાં રહેવા દો। તો પણ હરિભક્તો આસન ઉપાડવા ગયા, પણ બાપાશ્રી આસન ઉપાડવા દીધું નહીં। પછી વરસાદ રહી ગયો ને ફરતા ગામડામાં વરસાદ બહુ થયો, ને તળાવોમાં 6-6 મહિનાના પાણી થયા, ને નદીઓમાં પૂર પણ ઘણા આવ્યા। વાગડ દેશમાં તો રાજાનું ખડ હતું, તેમાં વીજળી પડી, તે 4 લાખ મણ ખડ બળી ગયું। એવું દેશાંતરમાં વરસાદનું તોફાન ઘણું થયું, પણ કુંભારિયામાં ન વર્ષ્યો। તે કથામાં બાપાશ્રીએ વાતો કરી તે લખી છે। ઇતિ બાપાશ્રીની વાતો ભાગ પહેલો, વાર્તા 177મી જે તે થઈ।